हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय एक संख्याएं भाग दो। क्लास पाँचवीं का हम लोग गणित भाग दो पढ़ेंगे। भाग एक में हम लोग पढ़ चुके थे इकाई दहाई सैकड़े हजार को कैसे करके पढ़ना है और कैसे लिखना है, ये हम सीख चुके थे। अब उसी से रिलेटेड हम यहाँ अंक दिए हैं, इन अंकों को अब कैसे हमें पढ़ना है और कैसे उनको हिंदी में लिखना है और उनको अंकों में लिखना है। तो अंकों को शब्दों में कैसे बदलना है और शब्दों को अंकों में कैसे बदलना है, उसके लिए हमें सबसे पहले गिनती का हिंदी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम गिनती को ही हिंदी में जानेंगे, उसके बाद फिर हम इन शब्दों को, इन जो ये अंक हैं, इनको हम शब्दों में लिख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग गिनती को हिंदी में जानते हैं, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। आई होप फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए, अंकों को शब्दों में बदलने से पहले और शब्दों को अंकों में बदलने से पहले हमें गिनती के हिंदी को जानना ज़रूरी है। यहाँ मैं साथ में इंग्लिश में इसलिए लिख दी हूँ क्योंकि यदि मैं हिंदी में बता रही हूँ तो क्यों ना मैं इंग्लिश में भी बता दूँ, ताकि लोगों को इंग्लिश भी कि 1 2 3 कैसे लिखे जाते हैं, उनकी स्पेलिंग क्या है, ये जानने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पहले हम लोग गिनती को हिंदी में और इंग्लिश में कैसे लिखते हैं इसको जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बाद ही हमको ये पता चलेगा कि हम अंकों को शब्दों में कैसे बदलें और शब्दों को अंकों में कैसे बदलें। यहाँ पास हम प्रत्येक अंक को हिंदी में कैसे लिखें ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर हिंदी में 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इंग्लिश में 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हिंदी में 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, इंग्लिश में 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, हिंदी में 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, इंग्लिश में 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, हिंदी में 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, इंग्लिश में 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। इतना हुआ। इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अंठावन उनसठ साठ, इंग्लिश में 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, हिंदी में 61 62 63 64 65 66 67 78 70, इंग्लिश में 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70, 71 72 73 75 76 77 78 79 80, इंग्लिश में 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80, हिंदी में 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90, इंग्लिश में 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90। हिंदी में 91 92 94 95 96 97 98 99 100, इंग्लिश में 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। सो फ्रेंड्स, तो इसमें मैं हिंदी में 1 2 3 4 को लिखकर बताई हूँ, इंग्लिश में भी बताई हूँ। इसके पीछे बताने का ये रीज़न है कि यदि आप अंकों को शब्दों में बदल रहे हैं तो उसके शब्द कैसे लिखना है, अंकों में जो हिंदी नाम है उसको कैसे लिखना है। उसको मान लीजिए 95, हमें ज़्यादातर क्या होता है कि उच्चारण पता नहीं होता है कि हिंदी में क्या होगा, इसलिए इसको मैं लिखवाने का लिखाने का
लिख के आपको दिखाई हूँ। आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आया होगा। इसको यदि आपको लिखना होगा तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो हिंदी एवं इंग्लिश में गिनती को। इस प्रकार हम अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में बदलना सीख जाएंगे। देखिए यहाँ अंकों को शब्दों में बदलना, ये देखिए अंक हैं। अब आप लोग पढ़ना नहीं आता होगा कि इसको इस पूर्व क्या बोलते हैं। हम लोग सबसे पहली वीडियो में क्या देखे थे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़ना। हम सबसे पहले इसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़ेंगे, एकदम पीछे साइड से पढ़ेंगे। किसी भी संख्या के पीछे साइड से इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़ा जाता है। देखिए ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, दस हजार है। दस हजार तक दिया, अब इसको हम हिंदी में लिखेंगे, यह हो जाएगा 12,500। तो हिंदी में लिखेंगे 12,500। इस प्रकार हम लोग इसको लिख दिए। सेकेंड को पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, ये भी 10,000 तक हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, 52,457। तो यहाँ लिख देंगे 52,457। देखिए अब ये जो हम हिंदी का पढ़े हैं ये शब्द, इन्हीं से हम हिंदी को पढ़े हैं तभी तो ये हमको बन रहा है। यदि हम हिंदी में जानेंगे ही नहीं कि क्या लिखा जाता है 1, 2, 3, 4 को, तो हम लोग कैसे इनको अंकों को शब्दों में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें हिंदी भी जानना बहुत ज़रूरी है गिनती का। नेक्स्ट इधर पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, ये भी 10,000 तक है। तो ये कितना है, 93,509 इतना है। तो अब इसको लिखेंगे हिंदी में 93,509, ये हो गया। फिर नेक्स्ट इसको पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, ये भी 10,000 तक गए। 94,060 कितना होगा, 94,060। तो इसको पढ़ेंगे 94,060, ये हुआ 94,060। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, ये भी 10,000 तक गए। कितना लिखा है, 10,325। तो यहाँ लिखेंगे 10,325, ये लिख दिए। और है इधर, ये देखिए और है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, ये भी 10,000 तक है। तो ये कितना हो जाएगा, 27,627 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 27,627 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग हिंदी पढ़े इसलिए ना इसको हम जान रहे हैं। फिर इधर नेक्स्ट, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, ये भी 10,000 तक गए। तो ये क्या हो जाएगा, 20,005 हो जाएगा, क्योंकि 5 आखिरी में है, 0 की यहाँ पास वैल्यू नहीं दिया है। तो 20,005 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 20,005 हुआ। फिर ये नेक्स्ट हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, ये भी 10,000 है। तो क्या हो जाएगा, 30,360। तो यहाँ हुआ 30,360। फिर ये नेक्स्ट, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, ये हुआ 10,000 तक, ये भी गया है। लेकिन यहाँ पास 0 की वैल्यू सामने में कुछ होता तो यहाँ कोई वैल्यू होती थी। यहाँ कितना है, 4,360, कितना है, 4,360 हुआ। इतना हो गया, ये हो गया अंकों को शब्दों में बदलना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब शब्दों को अंकों में बदलते हैं।
इस प्रकार जो भी किसी भी संख्या को हम पढ़ेंगे, हम एकदम से जीरो साइड से, एकदम से पीछे साइड से हमें क्या करना है, कायदा ही पढ़ के संख्या को फाइंड कर लेना है वो कितना लिखा हुआ है। अब चलिए देखते हैं शब्दों को अंकों में बदलना। ये देखिए शब्दों को अंकों में बदलना, 90,932 लिखा हुआ है। तब 90,000 पहले हम 90 लिखेंगे, उसके बाद फिर 900 कितना दिया हुआ है, 32। ये कितना लिखा हुआ है, 90,932। तो क्या लिखे हम, सबसे पहले 90 फिर 1,932 हुआ, तो ये हो गया ना इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, 90,932 हुआ। फिर इधर 76,180, तो सबसे पहले हम 76 लिखेंगे फिर 180 लिख देंगे, तो ये हुआ इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, 76,180 हो गया। फिर 58,151, सबसे पहले हम 58 लिखेंगे फिर 151 लिख देंगे, तो ये बन जाएगी इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, 58,151। फिर 65,839, तो हम सबसे पहले 65 लिखेंगे फिर 839 लिख दिए, तो ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, 65,839 हुआ ना। फिर 10,627, तो यहाँ पास लिखेंगे 10,627 लिख दिए, इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, 10,627 हुआ। फिर आगे देखते हैं, इतना हुआ। फिर इधर देते हैं 18,381, तो यहाँ लिखेंगे 18,381। फिर इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, 18,381। 70,124, तो यहाँ लिखेंगे 70,124 लिख दिए, इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, 70,124 हो गया। फिर यहाँ 45,864, यहाँ लिखेंगे 45,864 लिख देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, 45,864 हुआ। फिर ये 89,691, तो 89,691 इतना हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, 89,691। इस प्रकार हम लोग अंकों को शब्दों में, शब्दों को अंकों में बदल दिए, इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000 पढ़ के हम किसी भी लंबी संख्या को फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए नीचे कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं उसको देखते हैं। ये देखिए नीचे कुछ और एग्जाम्पल दिया गया है, 25,399, तो यहाँ लिखेंगे हम 25 फिर 300 फिर 99, इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, 25,399 हुआ। फिर यहाँ 91,253, तो यहाँ लिखेंगे 91,253 हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, 91,253 ये हो गया। फिर इधर लिखें 39,905, तो यहाँ 39,905 लिख दिए, इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, 39,905 हुआ। फिर यहाँ 89,000 में हज़ार में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, 89,000 हो गया। फिर 72,009, इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, कितना हुआ, 72,009। ये एग्जांपल सॉल्व हो गई। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को अब अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में बदलना आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल दिए उनको भी देखते हैं। अब यहाँ पास हम लोग 1,000 तक तो कर लिए, 10,000 तक तो कर लिए, अब यहाँ ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं जो लाख में हैं, तो लाख वाले एग्जाम्पल को कैसे करना है, लाख, 10 लाख और करोड़ दिया हुआ है, अब इनको कैसे करना है, इनको पहले पढ़ना है, इकाई दहाई पढ़ना है, इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, 1,000,000। अब देखिए लाख तक गया है, अब इनको शब्दों में लिखना है, तो ये कितना है, 7,24,520, तो यहाँ हमें हिंदी में लिखना है 7,24,520
हजार, पांच सौ, बीस, इतना हुआ। ये शब्दों में हो गए। अब यहाँ पास शब्दों में है तो इनको अंकों में लिखना है। 523,712, तो यहाँ पास लिखना है 523,712। इस प्रकार देखिए तो लाख में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होंगे। 6 अंक आप लोग गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 523,712 हो गया। अब यहाँ फिर यहाँ दिया हुआ, इसको अब गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। अब ये कितना आ गया, 10,00,000, मतलब ये 25,54,399 है। तब इसको लिखेंगे 25,54,399, इतना हुआ ये। इसको हिंदी में लिख दिया हम लोग, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए फिर हिंदी में दिया हुआ है 72,06,310, इतना दिया हुआ है। अब इसको हमें लिखना है अंकों में, तो 72,00,000 दिया है, पहले हम 72,00,000 लिखेंगे, उसके बाद फिर 6,310, तो 6,310 ये हो गया ना, 6,310 हो गया ये, ठीक है, इतना हुआ। देख क्या हो जाएगा, अब इसको 72,06,310, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 अंक हुए तो लाख में आया, ठीक है। अब इधर का देखते हैं, इसको पहले पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। अब देखो करोड़ में आ गया ये, मतलब 1,93,25,465 दिया हुआ है। इसको शब्दों में लिखेंगे 1,93,25,465, 1,93,25,465 है ये, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा इधर ये देखिए, ये शब्द में दिया गया 3,22,46,000। 3 करोड़ में देख, करोड़ में कितने अंक हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, करोड़ में 8 अंक हुए हैं, ठीक है, करोड़ में। अब देखिए यहाँ 3 करोड़, तो यहाँ लिखेंगे 3, फिर 22,00,000, तो यहाँ लिखेंगे 22,00,000, फिर 46,000, 22,00,000, फिर कितना लिखेंगे, 46,000। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 3,22,46,000 ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ क्या लिखा है, 7 करोड़ लिखा है, 7 करोड़, करोड़ दिया है मतलब कि कितना होना चाहिए, 8 अंक, तो 1, 2, 3 कितना हुआ, 6, फिर 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, तो कितना, 7 करोड़ होगा, ठीक है, 7 करोड़, तो इतना हो गया ये 7 करोड़। अब ये कितना लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, तो ये कितना है, 90 करोड़, कितना है, 90 करोड़, ये कितना हो गया, 90 करोड़। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार से लेकर के 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़ तक की संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीख लिए हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी इस वीडियो में कुछ भी गणित से रिलेटेड नॉलेज मिली होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किस तरह के गणित चाहिए, कौन कौन से क्लासेस की चाहिए, तो मैं आप लोगों को ज़रूर वो क्लास प्रोवाइड कराऊँगी। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध होती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नए गणित के सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।